जय जगन्नाथ। आज सतावन तम प्रतिष्ठा दिवस अनुषित हो सभार सभापति महोदय एवं मुंचाशक अतिथिवृंद मो सम्मुख कलेजर अध्यापना कर विदा नहीं अध्यापक अध्यापिका मोर व्यासनगर महाविद्यालय शिक्षक अनुशिक्षक कर्मचारी छात्र छात्री एवं सांबादिक बंधु आज अतिथि मान परिचय प्रदान कला बेले मोर वाम पार्श्व मंचासन अध्यक्ष डॉक्टर उषा चंद्र प्रधान जी आप मानी एक नव उत्साह आवं प्रचेषा आज एभरी एक विशाल समावेश आयोजन जड़े शिक्षक भाव में जी सम्मान छात्र मानी अच्छी छात्र मान जानते प्रशासक भाव दायित्व नाप सत चेष्टा कर प्रचेषा बल सामर्थ्य बल कलेज अनेक कि अग्रगति आनी अनेक कि स्वप्न तक मन भर में कि साकार होवशिष्ट रही आम प्रिय अध्यक्ष विषय वर्णना कले तो अनेक कि कहुपरब कि गोटाभली भाव में से आम समस्त प्रिय भाई पचासन आम समस्त प्रिय मुरबी मुख्य एवं जहाँ को सरकार द्वारा स्थिरीकृत होता व्यासनगर गौहानी कलेज प्रेसिडेंट प्रदीप कुमार मिश्रा बहुत दिन पर आम गहणे एक गुण को पाई आम संस्था परिवार आम मान सेवा पाई हजि सब से चिंतन कर दायित्व अच्छी कलेज पढ़ुते आईसीएम डायरेक्टर हायर एजुकेशन भाव में निजुक्ति
Omio, Dr. Omio Kumar Mahanti, E College of Kulpotano Dhyapaka, Ebang Ex Additional Director, Orisha, Shradhaya Prafulla Samal, Mo Samnare Upasthita, Mora Bahu Puratana Sahakarmi, ये कॉलेज रो अध्यापक अध्यापिका छात्र छात्री ये सभा रे जोग देथिबा ये कॉलेज रो अन्यन्य समस्त कर्मचारी समस्त को
मुमोर शुभेच्छा ज्ञापन करछि। ए कॉलेज रे मु जते बेले चाकरी करबा आरंभ कली जो वर्ष आसिकर जॉइन कली सेते बेले कॉलेज बहुत छोटो थिला आकार रे बहुत क्षुद्र हजारे पाखापाखी पिला थिले एवं कॉलेज आस्ते आस्ते डेवलपमेंट होता अधिक अधिक उन्नति करूला सेत छात्र से समय छात्र प्रति बर्तमान जी परिचालना समिति सभापति प्रदीप से पाठ पढ़ुला आस्ते आस्ते कॉलेज कलेबर वृद्धि पाइला ए कॉलेज उन्नति पाई जो अध्यक्ष ना चिरस्मरणीय डॉक्टर गोराचंद पटनायक आज आसवार शुणिकर खुशी लगुला से आसी पारे नहीं देह खराब किंतु से जो प्रचेषा था से प्रचेषार आस्ते 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 कॉलेज कलेबर वृद्धि पाइला वर्तमान ए कॉलेज एक विराट बड़ महाद्रुव परिणत हो बड़ कथा है कलेजा खाली बड़ हो गले उन्नति हुए से ही अनुपात ए कॉलेज रे शिक्षादान पद्धति शिक्षक मान प्रचेषा अध्यापना करुवा अध्यापक अध्यापिका सहकर्मचारी विभिन्न कार्यकलापे व्यस्त थिबा ए कॉलेज तृतीय चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी समस्त सहयोग ए कॉलेज को आहुरी उन्नति पथरे आगे नब ए कॉलेज रे जेते अधिक परिमाण रे पिला पाठ पढ़े ताकि अधिक परिमाण रे अध्यापना दायित्व रखा अध्यापक अध्यापिका मान दायित्व यथेष अधिक से भल पाठ पढ़े से अधिक रिसर्च कर पीएचडी पाइबे अन्न्य डिग्री हासिल करें से सब प्रचेषा रहा दरकार। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द जीवी प्रिंसिपल एंड ऑल द गेस्ट्स ऑन द डायस द टीचिंग स्टाफ ओल्ड स्टूडेंट्स एंड द करेंट स्टूडेंट्स एंड स्टाफ एक्स स्टाफ ऑफ द कॉलेज दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द कॉलेज टू सेलिब्रेट 57th year so that we have passed a very good number of years to consolidate ourselves in the field where we are trudging in education constructing people the future of our nation the students and also the society at large. This is a temple of learning. This college as an educational institution is a temple of learning and we all are part of it. I am also an ex-student of this college. I happens to be, I am proud to be so. So many dignitaries with us, sir, our president, Mahadhar sir, has excelled being from the student of this college. They have excelled to any height you can imagine. So this college has given us a foundation. This college has given us a root to be proud of. So on this 57th foundation day, what I honestly feel is that the students, the teachers and the staff collaboratively by combined effort with their vision, with their passion, with their perseverance through discipline and dedication can achieve, can bring new laurels to this institution. So the students are a major stakeholders are major part of this all this movement. This part of this temple of learning. So what I would suggest my dear
young students, young friends, I would say young friends, that think this is a, this is not a small institution. This institution has produced such big, big people sitting before you. So by your perseverance, by your discipline, by your self-motivation and perseverance, you can achieve anything in the life, and anything is possible. The future is yours. Thank you. ব্যাসনগর মহাবিদ্যালয়ের 57তম প্রতিষ্ঠা দিবসে সভাপত্ব করছুয়া পরিচালন কমিটির সভাপতি প্রদীপ বিশ্বাল মহোদয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, পরিচালন সমিতির সদস্য প্রফুল্ল বাবু, ফণিসা রসদিয়া মা আগে সাং হয়ে চাকরি আরম্ভ করছিল, মো আগে মো সহিত সহকর্মী হিসাবে কার্য করছিবা সতীর্থ মানে পিলা মানে এঠিকার অধ্যাপক অধ্যাপিকা মানে এবং পছরে বসিবা এই কলেজের স্বপ্ন ছাত্রছাত্রী মানে সমস্তকু মু প্রথমে 57তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। দ্বিতীয়ত 1966 মশিয়ারে কলেজ আরম্ভ হয়েছিল। 1966 মশিয়ারে মতে 10 বর্ষ হয়েছিল, 56 মোর জন্ম। 1966 কলেজ আরম্ভ হয়েছিল। 1979 আমি এটি চাকরি আরম্ভ করি। আমার বি বয়স গড়িগাল, আমি 65 পার হয়ে গেলি। কলেজটা 57 বর্ষ পূর্ব 1979 মশিয়ার অতি টিকিনিক ভাবে তাকে দেখুছু, কারণ এই কলেজ অন্য জায়গায় কোণী প্রোগ্রাম হলে মনা করে দেওয়া কুণ্ঠিত জনে হুয়ে না, কিন্তু এই কলেজে যেকোনসি সময় যেকোনসি প্রোগ্রাম হলে ডাকিলে মনা করে দেওয়া সহায়তর ভাবিবাকে পড়ে, কারণ এই কলেজ মু পিলা মানুষ কুচি এই কলেজ আমুক কেবল দানা যোগাই না, এই কলেজ কেবল আপনার জীবন ধারণ মার্গ গ্রহণ করা উপায় বতাই না, ইয়ে জীবন সহিত সংঘর্ষ করে সিঁড়ি পরে সিঁড়ি উপরকু যার প্রেরণা দিয়েছে। তেমন আমার আলমা মাটা হল এই কলেজ। এই কলেজর আমি বৃদ্ধি দেখিছু, স্থিতাবস্থা দেখিছু, সংকট দেখিছু, তার প্রগতি মধ্যে আমি দেখিছু। তেমন এই কলেজ গড়িলে কেউ মানে 1966 মশিয়ার ডোলিপুর অঞ্চলের অধিবাসী মানে সেমানে ধান সংগ্রহ করে চাউল সংগ্রহ করে মুঠি সংগ্রহ করে এ কলেজটি গড়িলে গড়িলে তাঙ্ক পিলা পাঠ পড়িবে, পিলা এটি পাঠ পড়িবে, দূরকু যাই পড়িপারিবে নাই, গাঁ গহর পিলা সে পাঠ পড়িবে, মানিষ হবে, আগকু আগেবে। ধীরে ধীরে কলেজ বি আগেলা, অনি স্যার কৌলে এ কলেজ আগেলা, এবং এই কলেজকে প্রতিষ্ঠা করিবারে যে মানে অবদান গ্রহণ করেছিলেন সেমানে বোধ হয়ে বহু সংখ্যার জাহান, তাঁকু মধ্যে মু তাঁকু কামনা করুছি, তাঁকর যে অবদান মু স্বীকার করুছি, গ্রহণ করুছি এবং তাঁকু মধ্যে নমস্কার করুছি। মোর পূজ্য গুরু অতীতরে এই মাটির এই মহাবিদ্যালয়ের যে অধ্যাপনা জীবন আরম্ভ করেছিলেন সে হচ্ছে ডক্টর মহান্তি, মোর বন্ধু প্রফুল্ল বাবু যে পরিচালনা সমিতির মান্যবর সভ্য অছন্তি, মোর পূজ্য গুরু ফণীভূষণ দাস অধিকারী মহোদয় মঞ্চরে অছন্তি। এই দীর্ঘ ভাষণ ক্রমরে মহাবিদ্যালয়ের আরম্ভ এবং বর্তমান পর্যন্ত এর স্থিতি এর প্রগতি সম্পর্কে গোটা মোটামুটি ধারণা বর্তমানের অধ্যাপক বন্ধু মানক পাখে ছাত্রছাত্রী মানক পাখে পৌঁছি সারিছে। গোটে কথা হচ্ছে যে এর সত্ত্বে এবে বি ব্যাসনগর ব্যাসনগর হয়েকি অছে, ব্যাসনগর যে গারিমা, ব্যাসনগরের যে গর্ব, যে গাম্ভীর্য,
पाठ पढ़ा रे अध्यापक मानंकर जो त्याग बा तपस्या से भी मलिन पड़ी नहीं आम को बेले बेले सेंती अनुभव हुए ये समय चक्र रे जेते बेले आमे सांप्रतिक स्थिति को कोन करंती आलोचना करंती विचार करंती बेले बेले लागे ये स्थिति टिके दुबली गला पड़ी मु 25 वर्ष अध्यापना करी छी व्यासनगर रे मु 78 रु 82 मसिया पर्यंत एटी छात्र थिली शेष 15 मास कोरोना रे मु अध्यक्ष थिली एवं मो समय रे 15 मास भितरे किछि स्वप्न देखिबा जदिओ सहज नथिला मु किछि स्वप्न देखिथिली कि न देखिथिली सेतबलकार अध्यापक बंधु माने कहिबे मु कहिबा ठीक हेबो नाही तेणु आम भितर एत असहायता ना एमती आम भाई बुद्धिजीवी एवं चिंताशील मनीष मानक जदि कि असहायता अच्छी आसतु ए प्रतिष्ठा दिवस आम भितर थिबा सब असूया को सब विरोधाभास को आम भूल एवं से जो गर्व गौरव आम एवं अच्छी बरकरार रखा एवं गोटे महाविद्यालय कहले यार प्राथमिक कार्य होउछि जे अध्यापक माने निरंतर जे ठीक समय रे पिला मानंकु ठीक दिग्दर्शन देबे मु जानिछि मु गोटे छुट्टिया अनुभूति कहबि जदि मते मिनिटिए कहिबार सुजोग दिया जाइतिला फणी सार आमे जेतेबेला आईए सेकेंड इयर रे पढुथुलु फणी सार जेतेबेला क्लास नउथिले मोर एबे भी मने अछि जे फणी सार बा जेकोसी सार माने से समय रे क्लास सब नउतले से क्लास भीतर सब पिन ड्रॉप साइलेंट थिला एवं सेटी पिला केबे माने साहस करि परबो नाही टिकिए माने हलचल बा खुजबुज हवा पाई सेतेबेला मोर मने अछि गुटी पिला ई जो 11 नंबर जोठी हमर सब स्टोर रूम हैछि पाई जो लास्ट रूम ता सेटी सार क्लास नउतांदी सेतेबेला बड़ साहस करि कि गोटे पिला चुपक्री से कबाट पचर बसिक पदा को बाहरी आसता फणी सार हावड़े पड़ा से दिन तार जहाँ अवस्था थिला से अवस्था तो वर्णना करहब ना आज पिला माने बेस दंभ व दाम्भिक एवं साहसी हेले बेले बेले क्लासरूम डिस्टर्ब करवा आरंभ कले अंत पक्षे से गारिमामय अध्यापना को जदि अध्यापक मैंने स्वीकार करेंगे पढ़े पढ़ेबे एवं ये महाविद्यालय जो प्रगति आद प्रगति आद बाधा आसबना नुआ कथा कि प्रदीप भाई आसला प्रदीप भाई प्रशासनिक शैली अनेक अध्यापक अध्यापिका बंधु मान क्षुब्ध करी ये कथा मुझे जाने जदि मु व्यासनगर महाविद्यालय छात्र थी अध्यापक थी अध्यक्ष थी एद शंका प्रकाश करार किसी कारण ना मत अनेक समय प्रदीप भाई फोन कर शिव छाड़देवी पद मोर दरकार ना मुझे शांति से शुपना तार कारण हूँ से चाहते इफिस् हम इफिस् केमी चली सर्वजन सम्मुख में खोला करवा ठीक नुहे आपण मैंने निजक पचारत इ लाइब्रेरी केमी चली आपण मैंने निजक पचारत इकाउंट्स केमी चली आपण मैंने निजक पचारत मु जाने जदि म मत ऑफिस बा इ लाइब्रेरी दायित्व दि जाए मुझे शिखी ना कंप्यूटर चल शिखी ना जाणिना किंतु ये समय आसी ये महाविद्यालय प्रगति को आम जोड़ापाई प्रगति सहित संयुक्त हाँपाई आम को उपयुक्त भाव में प्रशिक्षित होगा पड़ो खाली व्यासनगर महाविद्यालय मुझे चाकरी करी गर्व आहंकार से प्रदर्शित होब आम को दि जा गुरु दायित्व को आमे जेतेबेले समस्ते सार्थक भाव में पालन करवा एवं महाविद्यालय प्रतिष्ठा गौरव सुनाम आम भितर अध्यापना शैली किसी भी बिगड़ी ना ताकि आदम व्यस्त होवार किसी ना एवं जो प्रगति जो भाव में चली जुगोपयोगी समयोपयोगी होना आम दुख प्रकाश करसतु आज प्रतिष्ठा दिवस आम प्रगति को समयोपयोगी जुगोपयोगी करवा एवं जो नुआ दृष्टिभंगी नहीं आम परिचालना समितिर सभापति चाहती जे कॉलेज बा कॉलेज स्टाफ माने
सभामंच मंडन मंडन करथिबा हमर प्रिय अध्यक्ष श्री कृष्णचंद्र प्रधान मोर गुरु ओडिशा शिक्षा जगतर जने तारका कहिला तु देव नाही डॉक्टर रामी कुमार महांती मोर सान भाई परिचालना परिषदर सदस्य विशिष्ट आईनजीवी श्री प्रफुल्ल सामल एवं मोर पूज्य गुरु श्रीयुक्त फणीभूषण दास अधिकारी महोदय समस्त अवसर मोर अभिनंदन जनाऊँ वर्षक तले मोर शिक्षक अम्य महांती सार एवं आमर स्थानीय विधायक अशोक बल महोदय सी मोर जन सान भाई भली से मो ऑफिस रे पहुँचले एवं मते ए कॉलेज रो परिचालना परिषद रो दायित्व नवापाई अनुरोध कले ए कॉलेज रो समस्या संपर्क रे जन स्थानीय अधिवासी भाव रे मु अवगत थी तेणु मु स्वतः अनिच्छा प्रकाश करी से दायित्व नवापाई तार कारण सरकार गोटे गुरु दायित्व रही ओडिशा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर रही जहाँ गोटे फुल टाइम जब पांच वर्ष पर सरकार मत से रखिंट एवं द्वितीय कथा था जे मु दायित्व नहीं पारि कि ना आग गोटे दायित्व किंतु से मैंने मत बाध्य कले से तापर मु कहली ठीक अच्छे सरकार को से प्रस्ताव दिंतु सरकार आगे राज्य होती ना देखा तापर उच्च शिक्षा विभाग से आईन विभाग परामर्श लोड़ा जे मुहेतु गोटे स्टाच्युटरी पोजिशन होल्ड करुच्ची मु ये दायित्व रही पारि कि ना तापर आईन विभाग परामर्श देला जेहेतु प्रेसिडेंट गवर्निंग बड़ी कौन दरमा निहंती कौन भत्ता निहंती एवं से किसी बाधा ना तापर सरकार निष्पत्ति नेले एवं नोटिफिकेशन कले मु बोधे प्रथम जो आईएस अफिसर दायित्व रहा कौन परिचालना परिषद दायित्व किंतु मोर दायित्व बढ़ीगला तार कारण हूँ मु 35 वर्ष सरकार विभिन्न पदपदवी कार्य करी एवं सरकारी चाकर रे गोटे जिनस जो शिक्षा करने को पड़े सी हूँ श्रृंखला मो जीवन रे मो श्रृंखला केबे भांगी नाही एवं किए श्रृंखला भांगिले मुझे बर्दाश्त करि पारे ना मोर से गोटे दुर्बलता तेणु जिते बड़े दायित्व को नेली से कोरोना महामारी चलता एवं आमर शिक्षक मान सहित मुतबले तीन घंटा काल मो ऑफिस रे बसी ऑनलाइन ले मु आलोचना करी से दिन मोर शिक्षक भाई मान भोड़ी मान गोटे अनुरोध करी अनुरोधटी हूँ या जे अतीत गोटे समय रे व्यासनगर कॉलेज कहले गोटे कॉपी सेंटर बोली विचार कर डॉक्टर गुलाचंद पट्टनायक अध्यक्ष थिबा समय रे सी अपवाद रु ये कॉलेज मुक्त हला एवं कॉलेज रो सुन्ना मास थिला गवर्निंग बॉडी सदस्य अच्छा जो मैंने फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉलेज मुझे केवल कॉलेज जो पाठ पढ़ुली मुझे इतिहास अनर्स प्रथम श्रेणी में फास्ट क्लास डिस्टिंक्शन पाई यूनिवर्सिटी मतलब सप्तम स्थान पाई मुझे जाए पीजी कली एम फिल कली समबलपुर मु सरकारी चाकरी की आसली तेणु मु सब विचार करे मु आज जीवन में जो स्तर में पहुँची से यही कॉलेज जो संभव होती मोर जो मैंने शिक्षक अच्छा ये उपस्थित अच्छा मो शिक्षक मैंने
प्रेरणा सेमान आशीर्वाद मत जीवन में आगे जावाप सहायक होतु जो कलेज दायित्व नेली मुझे भाविली हूं तो भगवान मत गोटे सुजोग दे मोर ऋण परिशोध करवाई से रातिदिन गला गोटे वर्ष मुझे सब चेष्टा कर कलेजर किपर उन्नति हो पार कलेज शैक्षिक वातावरण किपर फेरी आसपार कलेजर श्रृंखला किपर फेरी आसपार जिते बड़े कौन विशृंखला मुझे देखी मोर कौन शिक्षक शिक्षक मुझे कौन ग्रुप ना कहीं मोर शत्रु नुह कहीं मोर मित्र नुह कितु जिते बड़े श्रृंखला भंग होते अनिच्छाकृत भाव में कार्यानुष्ठान ग्रहण करपे से परिताप करूना गोटे कलेज गोटे उदाहरण मुझे दूसरी कलेज एकाडेमिक इयर सरीगला एकाडेमिक कैलेंडर बाहर ना मोर जो शिक्षक बंधु दायित्व थे दरमा मुझे बंद कर दरमा एपर् दौना देवी ना जदि पाने गोटे वर्ष अपेक्षा कले कैलेंडर पाइबापी ताने जड़े शिक्षक जो बर्ष अपेक्षा कर दरमा पाइबापी किसी पैदा करना मुझे पूरा मोर स्थिर निश्चित जे से मुझे भूल कर कलेज सरीगला कलेजर आनुआल मैगजिन बाहर पाराना से जो अध्यापक दरमा बंद कलापर से पाइले अधा पिला पाइले ना जदि कंज्यूमर कोर्ट को जब तेल कलेज से पेनाल्टी पाइब फाइन फाइन हम कलेज कहीं देने कहीं जिते टाटे दौर कंज्यूमर भाव में आसूसी गोटे रईट जे सी पाइबा कथा कैलेंडर हो कलेज मैगजिन हो कहीं पार नाई तार कारण हूँ आम अध्यापक अध्यापिका भाई 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 मैंने से मैंने निज कार्य प्रति सचेतन नुह निज दायित्व प्रति सचेतन नुह मु कलेज रु टाटे पाऊना कि रात दिन मुझे प्रिंसिपाल दिन चार थर मुझे फोन करा कौन सीटा कौन है विरक्त हो गाड़ी दौड़ी और मोर बीपी बढ़ुची आम घर से गंडगोल है मो मिसेस मत बारंबार कहते तुम्हें से चाक छाड़ सी थोड़ा मुझ सत कथा कहे क्या बेल मोर इरीटेसन होर मु आज कम ये करवा लोक मोर कौन काम कालिक रहे ना मो टेबुल कौन फाइल मो 35 वर्ष चाकरी भितर टेबुल फाइल रखी घर को फेरी ना रात तीन टा चार पाँचटा पर मुझे अफिस काम करवा लोक तेणु मत सज हुए ना जे मुझे आज गोटे कथा कहली कुश मत ये कमटा आज दरकार मत कर दि कहीं साधा मुझे पचार कुश कौन है से कम ना होती करूँगी सकाल देख लाबा कौन है से कुश कहीं ये फास्ट आवर दे दौर सन्धा बेल पचार कुश कौन से ना से डाटा एंट्री ऑपरेटर से तो आसीनाई तो सी असुविधा आउ घंटे पर दौर दिस इज वेरी इरिटेटिंग फॉर मी आई कैन जस्ट एक्सेप्ट दिस कुश तो आउ कार्यकाल अध्यक्ष चारिमास कुश ता प्लस पॉइंट है हिज अनेस्ट हिज डेडिकेटेड एवं हिज अ विजन किसी करवाई आशा अच्छे किंतु तांकर दुर्बलता है या जे हिज मोर पॉपुलिस्ट सी कहार क्या कड़ा कहीपर ना समस्त चल देखा करवा ऑफिस रे सब बेले लोक से भिड़ मुते बड़े दायित्व थी मुझ सीटीओ थी मुझ डायरेक्टर थी मो मो रूम को केवे के पशापी जे तीन थर भाव मो पाक आसापी अजथान किए आसी मो सामन पशिपर ना मुझे आलाव कर मो सामने बसापी मुझ कटक सीटीओ थी गोटे बड़ सफल दायित्व थी मोर टार्गेट थी से कटक वकिल मान कथा जो समस्त हाइकोर्टिया वकिल समस्त हाइकोर्ट को पढ़ाते मुझे पूर्व पुलिस सीटीओ थी से गोटे मुझे भल फर्मूला करी जीए वकिल मैं आस अच्छी प्रफुल्ल अच्छी वकिल जी आसवे जीए मुझे गोटे सरकारी चाकरी में गोटे जिस जी तो आसवे मुझे सांगे सांगे जिते व्यस्त थी मुझे आलाव कर देखा करने कम पेड सर्वैन अफ दि स्टेट मुझे लोक कम करने अच्छे कितु मुझे बस को अलाउ करें सी आस पहुँचे कौन है आज्ञा ना आज्ञा
हला से चेयर पर्यंत आसे मत स्कोप काउ देनी आगे ठीक अछि देखि करते करते माने मु करते संग से सब जानि लिए जे सेटा अछि मु करते भी ताको आ द्वितीय धर्म पर आसे पड़िबो ने किन ताको बसी के राजनीति करबे सुजोग देबे मु खुशी आ भीतर बहुत नुवा अध्यापक अध्यापिका एसएसपी वासी जॉइन करछन से पिला माने बहुत टैलेंटेड पिला सब आछन किए सब नुवा पिला जॉइन कर ठिया कल केते अछन नुवा पिला त भीतर ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସନ୍ଦେଶ ଅଛି ବସ ଯେ ତୁମେମାନେ ହେଲା କଲେଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଜଗତର ତୁମମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କଲେଜଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ଜାଗା ନୁହଁ ଟିଚିଂ ଇଜ୍ ଏ ସିରିୟସ୍ ଜବ୍ ଏବଂ ଟିଚିଂ କେବଳ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଦେଲେ ତୁମ କାମ ସରିଲା ସେ କଥା ନୁହଁ ବହୁତ କରିକୁଲାର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ତୁମକୁ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ କରିକୁଲାର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିବ ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏସ୍ଏସ୍ବି ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କର ସବୁ କମିଟିରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖ ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନେ କାମ ଶିଖନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତୁ କାମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତମ ୟୁ ସୁଡ୍ ରାଇଜ୍ ଟୁ ଦି ଅକେଜନ୍ କେହି ମା' ପେଟରୁ ଆମେ କଥା କାମ ଶିଖେନି ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଛି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ୱିଲ୍ ଦେନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେ କେହି ମୁଁ ମୋତେ ସରକାର ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟିର ମେମ୍ବର କରି ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ ବର୍ଷେ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କଲେ ମୁଁ କ'ଣ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଆଇନ କାମ ଜାଣିଥିଲି ସେଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇନ 2016-17 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କେବେ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ମୁଁ ଆସିଲି କାମ ଶିଖିଲି ଦେଖିଲି ତା ଆଇନ କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ରେଫର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଲ କହିଲେ ଲୋକ ମୋତେ ରେଫର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା କେଉଁଟା ଭଲ ଅଛି କେଉଁଟା ବନ୍ଦ ଅଛି କ'ଣ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ନହେଇପାରିବ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିଓର ପର୍ସିଭରେନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିଓର ୟୋର୍ ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିଓର ୟୋର୍ ୱିଲ୍ ଟୁ ନୋ ଥିଙ୍ଗସ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଯେକୌଣସି କାମ ଦେଲେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ଶିଖିନାହିଁ ମୋତେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫାଇଲ୍ ଦେବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫାଇଲ୍ ଦେଲି ମୁଁ କେବେ ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ ବହୁତ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଏପଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିନାହାନ୍ତି ତା ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ବସିକି ଏତେ କରିଦିଅ ମୁଁ କେବେ ମୋ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜାଣେନି ମୋ ଫାଇଲ୍ରେ କ'ଣ ମୁଁ କଲି କ'ଣ ନ କଲି ମୁଁ ନିଜେ ବସି ମୋ ଟାଇପ୍ କରିକି ମୋର ଫାଇଲ୍ ଦେଇଦେବି ତେଣୁ ଏ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଆଇ ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରାହେଇଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରାଗଲା ଇ ଅଫିସ୍ କରାଗଲା ଇ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କରାଗଲା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଇ ଟି ସାମିଲ ସେମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି ସେମାନେ ନେଇକି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରିବି ସେମାନେ ରାଜନୀତି ନକରି ନିଜ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନକରି ଏ କଲେଜର କିପରି ସୁନାମ ଫେରିବ କଲେଜର କେମିତି ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ପିଲାମାନେ କେମିତି କାମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଗଢ଼ନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହେଲେ ଯାଇକି କଲେଜର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିବେଦନ କରିବି ଇଏ କଲେଜ ହେଉଛି ଆମର କଲେଜ ଏବଂ ଇଏ କଲେଜକୁ ଉନ୍ନତି ପଥ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱବଦ୍ଧ ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଦିନରେ ଶପଥ ନେବା ଯେ କଲେଜ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ କିଛି ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର